दुनिया के नूर हो, तो वो सूरज है, वो हम चांद है, वो जब उसकी रोशनी को हम लेते हैं जो कि रूह कुदस के मिलने के बाद हमारे अंदर आती है, और लिखा है कि उजाले को अंधेरे से जुदा कर दो। जब मसीह का रूह हमारे अंदर आ जाता है तो अंधेरा चला जाता है, उजाला जो है वो हमने फिर लेकर आना है। चौथा दिन जो है वो चौथी ईद को जाहिर करता है। पांचवी ईद पर क्या था कि ट्रम्पेट्स बजाए जाते थे, कॉल ऑफ वर्शिप, और जो प्रसिद्ध के लिए जो जो है वो जिन हर हवादार चीज जो है बनाई गई पांचवें दिन, और वो उस चीज को लाइव करती है। और सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हमें किन चीजों की आवाजें आती हैं? चिड़ियों की, की। क्या कह रही है परिंदे? क्या कहते हैं? द कॉल ऑफ वर्शिप, खुदा के प्रसिद्ध से दुनिया का आगाज। तो बाइबल में लिखा है कि परिंदे उड़ते हैं, ठीक है, खुदावन ने ज़बूरों में भी लिखा है कि वो खुदावन की प्रसिद्ध करते हैं। और पांचवें दिन क्या हुआ कि परिंदे बनाए गए जो कि खुदा के नरसिंगे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इस चीज को जाहिर करते हैं कि हमें भी अब हमारी जिंदगी में वो कॉल होनी चाहिए, और उसके बारे में भी लिखा है कि अच्छा है खुदावन ने। और चौथे दिन खुदावन ने, पांचवें दिन खुदावन ने कहना शुरू किया कि बड़ो फलो और जो है समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए, बढ़ते शुरू हो गए। आदमी को अपनी छवि पर बनाया। तो जब आदम खुदा के सामने खड़ा हुआ तो खुदा को क्या नजर आया? अपना आप, उसमें अपना आप नजर आया। हालेलुया। तो जब खुदा हमें देखे तो खुदा को कौन नजर आया? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। खुदा को अपना बेटा यीशु मसीह हमारे अंदर नजर आया। लिखा है कि उसको पहन लो। ओह यस, हालेलुया, उसको पहन लो। हम जितनों ने मसीह को कबूल किया है, जितनों ने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसको पहन लो, पहन लिया है। तो जब खुदावन ने आदमी को पैदा किया तो लिखा है कि उनको नर और नारी और उनको अपनी सूरत पर पैदा किया। हर मर्द और औरत खुदा की सूरत पर है। और उस दिन क्या हुआ कि आदम खुदा के सामने पेश था। ईदे कफारा का यह जिक्र है जो कि खुदा ने यहाँ पर लिखा है। और लिखा है कि खुदावन ने जब आदम को देखा और आदम को खुदा आदम के अंदर खुदा का अपना आप नजर आया, अपने एट्रीब्यूट नजर आए, अपना जो है वो जलवा नजर आया, अपना जलाल जो उसने उनको दिया था आदम को वो नजर आया। जब खुदा ने देखा कि आदम को मैंने अपनी शक्ल पर बनाया है तो सब चीजों पर उसको इख्तियार भी आमीन दे दिया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को कबूल करके यीशु मसीह की मानत बन जाएंगे तो हमें भी सब चीजों पर इख्तियार है। मैं तुम्हें बदरूहों पर इन चीजों पर इख्तियार देता हूँ। हालेलुया। और फिर आगे जाकर खुदावन ने कहा कि 31वीं आयत में खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो जब हम खुदा की मानत बन जाते हैं, मसीह की मानत बन जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं रहता बल्कि बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। और खुदा जो हमारा कफारा है हमारी जिंदगी में नजर आता है। और दूसरे बात की पहली आयत में सातवां दिन हमें नजर आता है। और सातवां दिन क्या था? टैबरनेकल का जो सातवीं ईद थी। और सातवां दिन हमें कौन सा नजर आता है? सब्बत का दिन नजर आता है, क्योंकि उस दिन लिखा है खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था सातवें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था फारिग हो गया। और सातवें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया था फारिग हुआ। मेरे साथ देखें इब्रानियों का खत। यस जीसस, थैंक यू। चौथे पाद में पहली है, बस जब हम जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। yes, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई। लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। और हम जो ईमान लाए हैं इस आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। को बनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे। God's footprint was there when he was doing his creation work। जब वो अपना तखलीक का काम कर रहा था, उसने हमारे लिए आराम तब ही
बना लिया। लिखा है कि उसने सातवें दिन के बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा कि खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके सातवें दिन आराम किया, और फिर उस मकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। तो दोनों चीजें हैं, अगर तो खुदा के खैमा में दाखिल होना है तो कलाम को सुनकर दिलों को सतना करो। जे आज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी ते अपने दिलों को सतना करो पत्थर मांगर कभी भी। और लिखे के पास ये बात करने के बाद आराम में दाखिल हो, और जिनको पहले कुछ खबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए, तो एक खास मुद्दत तक ठहर कर अगर तुम उसकी आवाज को सुनो जो मैंने अभी पंजाबी में कहा, तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और अगर यशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदावंद की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है। हालेलुया, आमीन। जो उसके आराम में दाखिल हो उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया है। जिस तरह खुदावन ने अपने कामों को पूरा करके आराम किया, हम पर भी फर्ज है कि हम भी अपने कामों को पूरा कर लें। जो खुदावन ने हमारे लिए चीजें दी हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेके अपनी जिंदगी में कौन को सुनकर और खुदावन के रूबरू होकर और खुदावन के लिए फलों को लाकर और खुदावन के लिए काम करके उस आराम में दाखिल हो जाए। और फिर लिखा है कि वो जो है हमेशा आराम में रहो हमें मिल जाएगा। इसलिए खुदावंद ने आदम को छठे दिन के आखिर में बनाया, सबसे पहले क्यों नहीं बना दिया, ताकि आदम को पता हो कि खुदा का उसके लिए क्या प्लान है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है। छठे दिन के आखिर में बनाया, और आदम की जिंदगी का सबसे पहला चीज क्या थी कि खुदा ने उसको अपने सब्बत में सब चीजों को बना आदम को बनाया और उसको उन सब चीजों पर इख्तियार दे दिया। और इससे पहले कि खुदा उससे कोई काम करवाता, खुदा उससे पहले जानवरों के नाम रखवाता, खुदा उससे पहले कहता कि बंदे का बानी करे, क्योंकि ये आयतें बाग लिखी हैं कि दरख्त को गिनने के बानी कर, बाग की बागवानी कर। इससे पहले कुछ भी करवाता खुदा ने कहा ऐसे बेटे मेरे आराम में दाखिल हो, क्योंकि दैट इज डेस्टिनेशन। और वही आदम और हव्वा की औलाद हम भी हैं, और हमारे लिए लिखा है कि वो सब्बत का आराम बाकी है। तो दिन ही दिन में काम कर लें, क्योंकि वो दिन आने वाला है। इससे पहले कि सूरज उगे रात सबसे गहरी होती है, यू नो द नाइट गोज डार्कर एंड डार्कर बिफोर द सनराइज। डॉन से पहले रात सबसे ज्यादा काली जो तारीख होती है वो सूरज उगने से थोड़ा सा पहले होती है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट टाइम एंड टाइम विल बी सून, जब लिखा कि वो हमारे आंसू कौन देगा। हालेलुया, और फिर कोई रोना मातम ना होगा। yes, तो ईमान के साथ हम खुदा का शुक्र करें, हालेलुया, खुदा की तारीफ करें कि वो हमें अपने आराम में दाखिल करने को है। तो ये ईदें खुदावंद की ईदें हैं, और इनमें ये खुदावंद आपको बहुत खुदावंद आपको बहुत बरकत है। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ, खुदावंद तेरा शुक्र।